हेलो लर्नर्स, दिस सेशन इज़ ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इस सेशन में हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है और रिजर्व बैंक जो है वो क्या रोल प्ले करता है. सो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये ओरिजिनली 1935 में एज ए प्राइवेट एंटिटी सेटअप हुआ था, बट इन 1949 आफ्टर टू ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये नेशनलाइज्ड हो गया. नेशनलाइज्ड मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गया. सो आरबीआई का जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू सुपरवाइज द फाइनेंशियल सेक्टर्स. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? फाइनेंशियल सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस फर्म्स जो होती है. सो आरबीआई का मेन पर्पस है कि इनको सुपरवाइज करना, इनको कंट्रोल करना. आगे हम देखेंगे आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड. तो आरबीआई के जो एक्टिविटीज़ है, जो अफेयर्स है, उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्न करती है. 21 मेंबर्स की ये बोर्ड होती है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. और इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नर और नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स जो होते हैं वो दे आर द फुल टाइम डायरेक्टर्स. इसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 10 ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि दे आर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूजली द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी एंड द फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी. और इसके अलावा 4 अदर डायरेक्टर्स और ये जो होते हैं दे आर फ्रॉम लोकल बोर्ड्स. लोकल बोर्ड मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचेज है, जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में जो ब्रांचेज है उसके उस बोर्ड के जो मेंबर है वो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं. आगे हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का के फंक्शंस क्या है और या फिर ये क्या रोल प्ले करता है. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हम हर एक फंक्शन को, हर एक रोल को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले करता है उसको पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ द मॉनेटरी अथॉरिटी. सो जो आरबीआई है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. 6 मेंबर की ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है उनको फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है और मॉनिटर करती है. और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी विद कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. सो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या कम करके मनी की सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो कंट्रोल करता है और इस तरह से वो इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में, अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करता है. सो फॉर एग्जांपल अगर सपोज इकोनॉमी में, कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइसेस बढ़ी हुई है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है वो जो लोन है, लोन रेट है उनको इंक्रीज कर देगा. अगर लोन रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जो बैंक्स हैं वो हाई इंटरेस्ट पे कस्टमर्स को लोन देंगे. जो भी हाउसिंग लोन्स होते हैं या डिफरेंट लैंडिंग लोन्स होते हैं, बोरिंग लोन्स होते हैं, लोन्स होते हैं जो, वो उनको हाई रेट पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे. तो इससे कस्टमर्स जो होंगे दे विल डिस्करेज वो लोन लेने, कस्टमर्स जो है वो लोन नहीं लेंगे, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेंगे. अगर कस्टमर लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी. अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो जो गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी. अगर गुड्स की डिमांड कम है तो प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगे. तो इस तरह से आरबीआई जो है वो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम करके या बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाता है. अगर इकोनॉमी में कम इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा और इस तरह से वो इकोनॉमी में जो पैसा है वो मनी है इंजेक्ट करेगा. सो नेक्स्ट जो आरबीआई रोल प्ले करता है दैट इज़ ऑफ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. सो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो रेगुलेट एंड सुपरवाइज करती है. जहाँ बात कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या अदर कैटेगरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, तो इनको जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है. इसके अलावा सर्टन सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सर्टन एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट डेट मार्केट एंड डेरिवेटिव रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट, ये जो है ये आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं, आरबीआई के सुपरविजन में आते हैं.
सो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इस फंक्शन का, इस रोल का, आरबीआई का, टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। नेक्स्ट रोल है आरबीआई का एज ए मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को। सो आरबीआई मैनेजेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फेमा भी कहते हैं। जितनी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होती है रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज़, फॉरेन पेमेंट्स, उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। सो आरबीआई का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज करना, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना। नेक्स्ट जो रोल है आरबीआई का, दैट इज ऑफ डेवलपमेंटल रोल। आरबीआई की खास बात ये है कि जितनी भी कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई है उसमें आरबीआई ने फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया है। जब कैपिटल मार्केट इंडिया में डेवलप नहीं थी तो उस समय कई स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे, उनको इस्टेब्लिश करने में आरबीआई ने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। कई मार्केट, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आरबीआई, जो आरबीआई ने सेटअप किए, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो उसको आरबीआई ने 1964 में सेटअप किया। इसके अलावा आईडीबीआई, एक्जिम बैंक, नबार्ड, ये भी आरबीआई की सपोर्ट से एग्जिस्टेंस में आए। इसके अलावा रिसर्च एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, जिनमें 1969 में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया। इन 1987 द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी वॉज सेटअप इन 1996, और सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग वॉज सेटअप इन 2011। सो ये सब इंस्टीट्यूट जो थे वो आरबीआई की फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण एग्जिस्टेंस में आए। इसके अलावा कई मार्केट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको 1988 में आरबीआई ने सेटअप किया विद जॉइंटली विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप द मनी मार्केट एंड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अनदर इंस्टीट्यूट है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वॉज प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मे 1994 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोस्टरिंग एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज एंड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स। इसके अलावा भी कई सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, आईटी इंस्टीट्यूशंस एंड कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आरबीआई की सपोर्ट से, जो कि आरबीआई की सपोर्ट से एग्जिस्टेंस में आए। नेक्स्ट रोल जो आरबीआई प्ले करता है, दैट इज इशूअर ऑफ करेंसी। सो आर बी आई हैज़ द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकता है। सो एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू प्रोड्यूस और मिंट कॉइन्स, ऑल्दो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग और मिंटिंग कॉइन वेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38 एंड सेक्शन 39 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो कॉइन होते हैं, जैसे 5 रुपी कॉइन, 10, 20, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करती है, बट ये आरबीआई के थ्रू ही सर्कुलेशन में, मार्केट में सर्कुलेशन में आते हैं। और जो इस फंक्शन का ऑब्जेक्टिव है टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड इन गुड क्वालिटी। नेक्स्ट रोल जो आरबीआई प्ले करता है, दैट इज एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सो आरबीआई इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड्स सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक। एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, आरबीआई इज डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम अंडर द एक्ट। जितने भी फिजिकल एंड डिजिटल
पेमेंट होती है कंट्री में, एक फिजिकल पेमेंट में आपके पेमेंट थ्रू चेक हो गया, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, दे कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट होती है, पेमेंट थ्रू मोबाइल्स, एटीएम, इसके अलावा आरटीजीएस, नेफ्ट, इवन जो टोल प्लाजा पे फास्टैग के थ्रू पेमेंट होती है, दैट ऑल्सो कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो रोल जो आरबीआई प्ले करता है, दैट इज एज अ बैंकर टू बैंक्स। तो आरबीआई को बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है, और आरबीआई फोकस करता है कि जो जितनी भी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो स्मूथली विदाउट इंटरप्शन हो जाए, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन एफिशियंट मीन्स ऑफ फंड ट्रांसफर फॉर बैंक्स, एनेबलिंग बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद इट फॉर स्टैचुटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंस। एंड आर बी आई ऑल्सो एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट इन केस ऑफ नीड। इन केस बैंक को फाइनेंशियल बैंक में लिक्विडिटी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो उस समय आर बी आई जो है दे कम एज ए रेस्क्यूअर, जो बैंकों की जो लिक्विडिटी नीड्स है उसको आर बी आई फुलफिल करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है, द आर बी आई एक्सटेंड दिस फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर ऑफ द बैंक एंड टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक, विच इन टर्न मे ऑल्सो इफेक्ट अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड दस ऑन द इकोनॉमी। नेक्स्ट जो रोल है वो आर बी आई का, दैट इज एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट। आर बी आई जो है वो गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है, गवर्नमेंट को भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो बीइंग द बैंकर टू द गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ आर बी आई। लाइक इंडिविजुअल्स, बिजनेसिस एंड बैंक, गवर्नमेंट नीड अ बैंकर टू कैरी आउट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एफिशियंट एंड इफेक्टिव मैनर। सो उसके लिए आर बी आई जो है दे सर्व एज एन एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सो आर बी आई जो है वो एज एन एजेंट और एडवाइजर गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है। एज एन एजेंट आर बी आई जो है वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन इशू करता है और ट्रेजरी बिल इशू करता है टू रेज लोन। और एज अ एडवाइज़र आर बी आई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है ऑन डिफरेंट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी और डिफरेंट सच एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी एक्सेट्रा। सो इन सब के रिगार्डिंग जो है आर बी आई जो है गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस और रोल विच आर प्लेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक जो है दैट हैज़ 31 ऑफिसेज इन इंडिया। तो आप ये देख सकते हैं कि इन इन जगह पे इंडिया में आर बी आई की ब्रांचेज है और लोकेशंस है। जो मेनली जो आर बी आई जो जितनी भी स्टेट कैपिटल होती है उसमें आर बी आई की ब्रांचेज होती है। सो लर्नर, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू।